Assalamu alaikum to all those. My name is Ali Asgan and I am teaching medical informatics. Now we are moving lecture number 7, part 3. I am going to share my screen. Right. Cloud technology. Class, आज के जमाने में ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वार्म टॉपिक है. आप अपना सारा डेटा अपने पॉकेट पीसी के अंदर रखते हैं. जैसे कि हर बंदे के साथ एक यूजुअली हर बंदे के साथ एक क्लाउड लगा हुआ है विच इज नोन एज जीमेल क्लाउड. जीमेल गिव यू ए स्पेस ऑफ 15 GB फॉर फ्री. कोई पैसे भी दिए बगैर आप एक ईमेल आईडी के रजिस्टर्ड होने पे 15 GB का क्लाउड अपने पास रखते हैं जिसके अंदर आप अपने पिक्चर्स, आप अपने डॉक्यूमेंट्स और एक्सेट्रा सारी चीजें जीमेल पे अपलोड कर देते हैं. इसके अलावा जीमेल के अलावा आपके पास क्लाउड है जैसे कि हॉटमेल का है ड्रॉपबॉक्स और इसके अलावा दूसरे भी अलग अलग क्लाउड्स हैं आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे मगर हम सबसे ज्यादा मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो है जीमेल का क्लाउड. अब देखिए क्लाउड का फायदा ये है कि क्लाउड की वजह से डेटा बहुत सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, इजीली एक्सेसिबल रहता है. यानी जैसे आपने एक पिक्चर क्लिक की वो पिक्चर आपकी अपने हैंडसेट के थ्रू इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बाद क्लाउड के अंदर सेव हो जाती है और वो क्लाउड की सेव होने के बाद क्लाउड उसको अरेंज भी कर रहा होता है. यानी आपने अपना जीमेल के क्लाउड के अंदर फोटोज देखी होंगी, सिमिलर फेसेस सारे एक जगह पे क्लस्टर हो जाते हैं. एक बार दूसरे बार अगर आपका फेस है, आपका अपना हैंडसेट है, आपका सिमिलर फेस तो होगा थ्रू आउट योर इमेजेस, मगर आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों के हिसाब से भी क्लाउड पिक्चर्स को सॉर्ट करता है. राइट. तो इस तरीके से आपके पास सारी चीजें सॉर्ट हो रही होती हैं. अब इसके अलावा डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और ये सारी चीजें क्लाउड के थ्रू आप शेयर कर रहे होते हैं. क्लाउड की अलग अलग टाइप्स है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड. पब्लिक क्लाउड जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, इट्स अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, आप और मैं इजीली एक्सेस कर सकते हैं. प्राइवेट क्लाउड वो क्लाउड है जो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज लोगों के लिए है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर स्पार्को का डेटा या पाकिस्तान इंटेलिजेंस का डेटा या फिर पाकिस्तान आर्मी आर्म फोर्सेस का डेटा, ये सारे क्लाउड्स हैं इनके बने हुए, मगर ये बहुत ज्यादा प्राइवेट क्लाउड है. इनकी सिक्योरिटी जैसे आपने ब्रीच की उनको फौरन पता चल जाता है कि आपने ब्रीच किया और वो फिर आपके पीछे लगता है. हाइब्रिड क्लाउड का मतलब ये होता है ये प्राइवेट भी होता है और ये पब्लिक भी होता है. जैसे कि नादरा का डेटा अगर आप देखें तो नादरा के डेटा के अंदर कुछ हिस्सा पब्लिक के लिए है मगर कुछ हिस्सा प्राइवेट भी है. यानी वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके आप नादरा की वेबसाइट पे अपना इंफॉर्मेशन अपनी देख सकते हैं मगर मगर आप आपकी यूजर आईडी से दूसरों की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते. यानी ये जो क्लाउड है इस क्लाउड के अंदर कुछ पार्ट पब्लिक भी है और कुछ पार्ट प्राइवेट भी है. अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जैसे SaaS है, PaaS है, IaaS है. एडवांटेज ऑफ क्लाउड, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जाहिर बात है रिड्यूस करता है कॉस्ट को, अनलिमिटेड स्टोरेज देता है, 15 GB आपको फ्री में मिलता है. राइट. इट कॉस्ट नथिंग, फ्री. मगर इसके अलावा अगर आपको क्लाउड परचेस करना है तो उसके पैसे हैं, मगर बहुत सारे अलग अलग स्टार्टिंग वेंचर्स जो होते हैं वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ जीबी भी फ्री दे रहे होते हैं. इंक्रीज डेटा रिलायबिलिटी, आपका डेटा रिलायबल रहे. डिवाइस इंडिपेंडेंस, आपको हमेशा कोई अपने पास हैवी इक्विपमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं है. जैसे मेरा यूजुअली सारा डेटा जो चीज होती है वो मैं जीमेल पे सेव रखता हूँ तो वो सारा डेटा लैपटॉप पे होता है, मगर अगर मुझे किसी टाइम उस डेटा को हैंडसेट पे देखना हो तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बाद वो डेटा मैं इजिली हैंडसेट पे भी डाउनलोड कर सकता हूँ. डिसएडवांटेज, रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन, डज नॉट वर्क वेल विद लो स्पीड ऑफ कनेक्शन. यस, स्लो हो सकता है डेटा, बाज दफा चोरी हो सकता है, क्या कहते हैं डेटा आपका वो करप्ट हो सकता है, आपका अकाउंट क्या कहते हैं हाईजैक या फिर हैक हो सकता है. क्लाउड स्टोरेज के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो आपको इंटरनेट के थ्रू सारे डेटा अपना शेयर कर लेगा. राइट. ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लाउड टेक्नोलॉजी के हवाले से. दिस इज एंड ऑफ लेक्चर नंबर 7, पार्ट 3. थैंक यू वेरी मच.